हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हमारा 707 टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कैसे आप मॉडल सिलेक्शन करेंगे या कैसे आप टेस्ट मोड करेंगे। ठीक है, ये जो है हमारा एच टॉप लोड फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन HWM हायर वॉशिंग मशीन 7.75 मतलब ये 7.5 kg का है। 707 जो है ये फैक्ट्री कोड है, NZP मतलब निया जीरो प्रेशर टेक्नोलॉजी। तो इस मॉडल में आप कैसे मॉडल सिलेक्शन करेंगे या कैसे टेस्ट मोड करेंगे। फर्स्ट चीज़ ये है कि हम मॉडल सिलेक्शन क्यों करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो 707 सीरीज़ है इसमें सारे जो कैपेसिटी है सबका PCB डिस्प्ले, ये जो मेन PCB डिस्प्ले PCB आप जो भी बोलिए सारे एक ही होता है। ठीक है, लेकिन जब आप मॉडल के हिसाब से आप कैपेसिटी के हिसाब से उस चेंज करेंगे तो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको उसमें आइदर उसमें जो प्रॉम्प्ट है PCB में वो आपको कट करना पड़ेगा या उसको मॉडल सिलेक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं कि जैसे आप जैसे वॉश हो जाएगा, वॉश के बाद जैसे ड्रेन होने के बाद आपको रिंस होना है तो उस टाइम में देखा जाएगा कि रिंस के टाइम में आपका ड्रेन मोटर ऑन नहीं हो रहा है और जैसे पालसेटर अकेला घूम रहा है। ठीक है, तो उस केस में आपको इसका प्रॉपरली मॉडल सिलेक्शन करना पड़ेगा। और टेस्ट मोड में आप क्या चेक कर सकते हैं कि टेस्ट मोड में मान लीजिए कभी मोटर नहीं चल रहे, आपका ड्रेन पंप नहीं चल रहा है, तो उस केस में आप डायरेक्टली टेस्ट मोड में या डिस्प्ले काम नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप टेस्ट मोड में जाके चेक कर सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पे, आपका मोटर पे प्रॉब्लम है, PCB में प्रॉब्लम है या ड्रेन मोटर में प्रॉब्लम है, वो चीज़ आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देख लें कि PCB का क्या पार्ट कोड है या कौन सा प्रॉम्प्ट कैसे हमको कट करना पड़ता है। ठीक है, ये आपका यहाँ से हम देख सकते हैं जितना कैपेसिटी है हमारा 6 kg का हो, 6.5 kg का हो, 6.2 kg का हो, 7 kg का हो या 7.5 kg का, सारी का PCB का पार्ट कोड एक ही है। ठीक है, इसीलिए जब भी हम PCB चेंज करेंगे तो उसमें हमको आइदर प्रॉम कट करना पड़ेगा ऐसे या आपको PCB में मॉडल सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा मॉडल में या कौन सा कैपेसिटी में कौन सा नंबर आना चाहिए वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे 6.5 kg में आपको 21 होना चाहिए, 7.5 kg का मशीन में 21 होना चाहिए, 7.5 kg का जो मशीन है उसमें 22 होना चाहिए। ठीक है, या 6.5 kg उसमें भी 21 होना चाहिए, या बाकी ये जो है आपका 6 kg का, 6.2 kg का, इसमें विदाउट प्रॉम्प्ट काट के भी यहाँ पर आपको 20 आ जाएगा। ठीक है, और प्रॉम जो है ये जो हमारा है मेन PCB आप डिस्प्ले PCB जो भी बोलिए, तो इसमें यहाँ पे दो प्रॉम लगा हुआ है, एक ये वाला प्रॉम 1 और ये प्रॉम 2। तो आपको जहाँ पे जिस मॉडल के हिसाब से जैसे बताया गया जहाँ पे प्रॉम कट करना है तो ये प्रॉम को आपको नोस प्लस से जस्ट कट कर दीजिए। ठीक है, अगर आप प्रॉम कट करना नहीं चाहते हैं तो आप डायरेक्ट डिस्प्ले PCB में जाके आप उसका मॉडल सिलेक्शन कर दीजिए। आइए आप देखते हैं कैसे मॉडल सिलेक्शन करें। मॉडल सिलेक्शन के लिए फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा कि मशीन को ऑन करना पड़ेगा। ठीक, ऑन करने के बाद वाटर लेवल और ये जो प्रोग्राम बटन है दोनों बटन को हमको एक साथ प्रेस करके रखना है। ठीक है, तो B1 आएगा और उसके बाद एक नंबर आएगा 23। ठीक है, लेकिन हम जो वहाँ पे देखे कि ये जो हमारा 7.5 kg का मशीन है यहाँ पे 22 आना चाहिए, अगर 23 आ गया तो हम देखते हैं एक बार क्या होते हैं। ठीक है, जैसे हम स्पिन में चला रहे तो हमको फर्स्ट ड्रेन ऑन होना चाहिए और उसके बाद मेरा टॉप पूरा घूमना चाहिए पल्सेटर के साथ, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ओनली पल्सेटर ही घूम रहा है, टॉप नहीं घूम रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपका आएगा अगर प्रॉपर मॉडल सिलेक्शन नहीं करेंगे तो। अभी हम देखते हैं कि मॉडल सिलेक्शन करने के बाद क्या होता है। तो मॉडल सिलेक्शन करने के लिए फर्स्ट मेरे को मशीन का पावर ऑन करना है, उसके बाद वाटर लेवल एंड जो प्रोग्राम बटन है दोनों को हमको एक साथ प्रेस करके रखना है। B1 जैसे आएगा मेरे को वाटर लेवल से अभी उसका नंबर चेंज करना है, तो इसका हिसाब से मेरे को यहाँ पे 22 लाना है। जैसे 22 आ गया मेरे को स्टार्ट बटन को प्रेस करके उसको मॉडल को सिलेक्ट करना है, तो ये मॉडल इसके साथ सिलेक्ट हो गया। अभी दोबारा हम देखते हैं कि हमारा स्पिन में स्पिन होता है या नहीं होता है, जैसे कट करके आवाज़ हुआ मतलब मेरा ड्रेन
देन मोटर जो है वो ऑन हो गया, तो हम सोच सकते हैं कि मेरा अभी स्पिन प्रॉपर होगा। तो प्रॉपर मेरा स्पिन चालू हो गया। दूसरा और एक चीज़ है, अब हम लोग टेस्ट मोड अगर करना चाहते हैं कि मेरा मशीन में डिस्प्ले प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, मेरा मोटर काम कर रहा है कि नहीं, या ड्रेन में मोटर काम कर रहा है, उसके लिए मेरे को टेस्ट मोड करना है। टेस्ट मोड के लिए मेरे को क्या करना है कि जैसे हम मॉडल सिलेक्शन ऑन कंडीशन में किए थे, तो टेस्ट मोड के लिए मेरे को ऑफ कंडीशन में डिले और प्रोग्राम बटन एक साथ प्रेस करके फिर मेरे को पावर को ऑन करना। C1 जैसे आएगा डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, तुरंत मेरे को ये डिले बटन को प्रेस करना है, तो क्या होगा अभी वो वॉश मोड में जाएगा और मेरा मशीन विदाउट पानी वॉश करेगा। तो हम अगर मेरा मोटर नहीं चल रहा है तो इस कंडीशन में हम चेक कर सकते हैं मेरा मोटर में सप्लाई आ रहा है कि नहीं, या पीसीबी मोटर को सप्लाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हमको पता चल जाएगा प्रॉब्लम कहाँ पर है, मेरा पीसीबी में प्रॉब्लम है या मेरा मोटर में प्रॉब्लम है। यह हम अगर चेक मेरा ड्रेन पंप ड्रेन मोटर जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए मेरे को C2 में जाना C3 में जाना पड़ेगा। तो जैसे मेरा वॉश मोड चल रहा है उस कंडीशन में मेरे को दोबारा इस बटन को प्रेस करना है, तो C3 आ गया। अभी मेरे को ये क्या होगा, ये अभी स्पिन मोड में चला गया, तो मेरा अभी यहाँ पर स्पिन ऑन होना चाहिए। अगर इस कंडीशन में मेरा ड्रेन ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो देखना ही मेरे को कि सप्लाई पीसीबी से ड्रेन मोटर को जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर पीसीबी से ड्रेन मोटर को सप्लाई नहीं जा रहा है तो मैं मान लूँगा मेरा पीसीबी में फॉल्ट है। अगर मेरा यहाँ से मेरा मोटर को सप्लाई ड्रेन मोटर को सप्लाई जा रहा है फिर भी मेरा ड्रेन मोटर ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मैं पकड़ लूँगा कि मेरा ड्रेन मोटर में प्रॉब्लम है। तो इस हिसाब से, तो फील्ड में कभी भी आपका प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप इस हिसाब से आपको मॉडल सिलेक्शन करना है आपको, या टेस्ट मोड में जाके चेक करना है एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर। या कभी भी आप प्रॉब्लम में फंस जाओ तो डायरेक्टली आप एक बार चेक कर लो मशीन का जो मॉडल है वो प्रॉपरली सिलेक्टेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्रॉपर मॉडल सिलेक्शन करके एक बार देख लो, कोई भी कोई फंक्शन में कोई प्रोग्राम में टाइमिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली एक बार उसका मॉडल सिलेक्शन करके उसके बाद उसको पावर ऑन करके देखो कि मशीन मेरा चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके, थैंक यू।